हमारा ट्रिप का लास्ट डेट है, मतलब फॉर फन, क्योंकि आज हम NIT जाएंगे और इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाएंगे, मगर आज हम तीनों ब्रेकफास्ट के लिए लेट हैं। फ्रेम में तो आ जाओ। और कुछ 8:45, 8:50 हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट का लास्ट टाइम 9:30 तक है, फिर बस निकल जाएगी, तो हमें जल्दी से पहुंचना है वहाँ ताकि वी डोंट मिस आउट ब्रेकफास्ट। वजह से बहुत लेट हो गया। ये नहीं नाया। तुम अच्छे से नहा लो, कोई बात नहीं, कर लो। भाग ले। मैं बताती हूँ, मैं लिटरली इतनी जल्दी रेडी हो गई दूसरे रूम में, और मैं जब इधर आती हूँ तो इसका मुंह देख क्यों रही है नहाया। रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए, एक तो ये रेस्टोरेंट इतना दूर है अपने होटल से, इतना वॉकिंग डिस्टेंस है, हम ऑटो भी नहीं ले सकते, बट रेस्टोरेंट अच्छा है। मैं उसकी लोकेशन और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट, कभी जयपुर आओ तो देखना। अभी हम सब वही वाला नाश्ता करते हुए, जो कल किया था हम सब अभिषेक भैया, अभी कहाँ, टेम्पल या NIT? पहले टेम्पल, बिरला टेम्पल। कहाँ है ये? नहीं पता। 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, 5 मिनट का रास्ता है, उसके साइड में गणेश जी का टेम्पल, वो देखेंगे और फिर चलेंगे। हम सब मंदिर आए थे, ये पीछे बहुत अच्छा मंदिर है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मतलब अच्छे से यहाँ रिकॉर्ड करना मना है। अभी हम NIT जाएंगे तो बाकी का वहाँ दिखाता हूँ। बाय बाय। वही बाय बोल दे। जय राम जी की बोल। जय राम। हेलो, अभी मंदिर से हम लोग, यहाँ मंदिर था, ऊपर भी कुछ है, मंदिर से होके हम आज अब यहाँ आए। इस जगह का नाम क्या है? पता ही नहीं को नाम, इस जगह का नाम मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे को भी नहीं पता। ये पीछे काफी है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी फोटो है, मतलब कितना अच्छा वो है, शेड्स स्काई और एकदम वाइट और मार्बल से बना हुआ टेंपल और नीचे ग्रास, मतलब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। इसके सामने, ठीक सामने है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये यहाँ, ये यहाँ से पता चला ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। दर्शन कर लिए, अलाउड नहीं था यार, सू तो नहीं हो जाऊंगा मैं फोटो डालने के लिए? हाँ क्यों, अलाउड नहीं है ना, फिर भी फोटो डाल दी? नहीं होगा। यार मैं पता नहीं फोटो डालूं कि नहीं डालूं, बट अगर डाल दी तो देख लेना, नहीं डाली तो अलग बात है। बहुत अच्छा है अंदर, बहुत अच्छे भगवान जी, एकदम सुंदर भगवान जी हैं। और अब डन विद दिस टेम्पल, और अब हम जाएंगे MNRT। यस, सो नेक्स्ट क्लिप आज इंडस्ट्रियल विजिट है, पता नहीं कौन सी कंपनी की, हमें पता ही नहीं था। चलो अब वहाँ जाके देखेंगे कि क्या सीन है वहाँ का। ये मम्मी पापा के लिए है, ये हम जब जयपुर आए थे तो हम ये वाला मंदिर घूम आए थे और ये सब हमने देखा था। मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने, मम्मी पापा ने मेरे को यहाँ से चश्मा और टोपी दिलाई थी, वो माइकल जैक्सन वाली टोपी हैट, याद आया मम्मी पापा कुछ? अब तो ये कितना खाली खाली हो गया, पहले यहाँ पे बहुत ऐसे ही स्टॉल्स थे, याद आया कुछ ऐसी टोपी ली थी जब मैं छोटा था। दिस इज MNIT, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। अभी अभी हमारी ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब हमारी नहीं, हमारे सामने वाली, कुछ ज्यादा हुआ नहीं बट आगे वाली गाड़ी, हाँ बट सब सेफ है। होता रहता है भैया, रोड पे चलते हैं तो ये तो होता ही है, कुछ आगे आके ही कुछ दूर चलते ही यही है MNIT के एंट्रेंस कैंपस, शायद इसके आगे जाके हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कब हमें परमिशन मिलेगी अंदर जाने की, फिर हम सब अंदर जाएंगे।
NIT में आ गए हैं हम लोग और अब हम अंदर जा रहे हैं। साक्षी ईशान, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कॉलेज कैसा होगा? NIT है बड़ा, कितने एकड़ में? 32,000 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा कॉलेज है। 32,000 एकड़? 32,000 या 3200? या 3200 एकड़ है या ऐसे? पागल है क्या? 32,000 एकड़? सॉरी गाइस, तो ये कैंपस बहुत बड़ा है, इतने में तो अपना कैंपस खत्म हो जाता है। सब आ रहे हैं यहाँ के पीछे से और हम जा रहे हैं कहाँ पता नहीं, बट कहीं तो हम अंदर आए हुए हैं और हमने कई जगह मतलब पढ़ा। तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये इसने जो बताया वो नहीं है, ये कॉलेज 320 एकड़ में फैला हुआ है। 380 एकड़ में लोग कॉलेज की लाभ में, मैं पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आई गिव यू अ स्नीक पीक। NIT की मैकेनिकल लैब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह इंजीनियरिंग समझ रहे थे, तो अब टाइम मिला है थोड़ा कॉलेज, मतलब हम दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं अब, बट ये कॉलेज अंदर से ऐसा है, थोड़ी 3 इडियट्स वाली वाइब आ रही है, बट अच्छा है, सही है। NIT इट इज ब्रो। इतनी सारी लैब्स अटेंड करके अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, वो भी फ्री है। कैसा लग रहा है तेरे को? नींद आ रही है तुझे? अच्छा, अपने कॉलेज की कैफेटेरिया कैसा है खाने में? गाली नहीं दे सकते यार। अच्छा, और तो यहाँ एक्सपेक्टेशन आया कि लो है कॉलेज के नाम से? इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैथ्स खराब होता है इनका, बट लेट्स सी। चलो आप कहेंगे यार धूप बहुत हो रही है, मैं अभी सनग्लासेस लगा रहा हूँ, फिर इसने तो लगा लिए हैं, स्मार्ट है भाई, मस्त लगा है। अब ऐसा लग रहा है, भूख ऐसा लग रहा है भाई, हम मरीज लेके चल रहे हैं अपने साथ, बिल्कुल ये ऐसे हो रहा है, ये मरीज, ये मरीज और ये कंपाउंडर। कट द क्रैप, लेट्स ईट फूड। भाई लोग, हम लोग पिछले 20 मिनट से चले जा रहे हैं और जहाँ खाने जाने है वो आ नहीं रहा भाई, आगे कुछ लोग हैं और पीछे कुछ लोग हैं, देखो ऐसे थकेले लोग हैं भाई, सब इतने थक गए। और ये सब देखो NIT के सारे बच्चे ऐसे साइकिलिंग करते हैं, इतना बड़ा कैंपस है इनका, 350 एकड़ में फैला हुआ, तो ऑब्वियसली साइकिल से ही करेंगे, बट कैंपस अच्छा है, देखो माउंटेन्स हैं, जयपुर राजस्थान यार, बट यहाँ गर्मी कितनी है, और अंदर AC भी नहीं दिख रहा मेरे को कोई, बट क्या कर सकते हैं। चलो अब रेस्टोरेंट की तरफ ही पहुँचते हैं, जब पहुँचेंगे आप देखो, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यहाँ बच्चे साइकिल यूज़ करते हैं। NIT IIT ये सब अच्छी बात है भाई, साइकिल यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम बचेगा, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। आई थिंक अब आ गया जहाँ पे हमें खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है, खाना खाना यार। बाकी पीछे हैं और ये बाकी ये आ रहे हैं, सब धीरे धीरे स्लोली स्लोली, सबको भूख लग रही है, अब खाना खाते हैं। भाई 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 साहब, अब हम फाइनली आए हैं NIT के मेस के अंदर, और आए मेरे को जहाँ तक पता है मैं ऐसा खाना अच्छा नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ कि इस बार अच्छा हो, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, वैसे तो जो मिलेगा वो खा लेंगे, और यार ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से इसने मेरी अंगूठा तोड़ दिया। आकाश थक गया तू, चलते चलते बहुत ज्यादा भाई, दर्द हो रही है टांगे। हाँ यार बहुत चलना पड़ा बहुत, बट अब खाना खाएंगे। भाई यहाँ तो टिपिकल मेस वाला खाना है, दाल सब्जी रायता चावल रोटी और सलाद, और मैं दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और भूख भी बहुत तेज लग रही है, सब खा रहे हैं और अब हम भी खाएंगे। बाय बाय गाइस, हम लोगों ने खाना खा लिया है,
इतनी स्ट्रगल के बाद, इतना चलने के बाद हम बहुत थक गए हैं, मैं नहीं ये लोग बस कर सकेंगे, तुम भी बहुत ज्यादा थक गए। नहीं मैं, अब हम जा रहे हैं होटल। और इसने 8 रोटी खाई है, 8 नहीं खाई है भाई साहब, मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई है, 2 प्लेट चावल खाए, हट एक आधा प्लेट या थोड़ी एक चम्मच चावल लिए है, इसने खाया था 3 कप रायता भी है, इसने पूरी 2 कटोरी दाल खाई है, और रायता तो खाती नहीं भाई, उसको बताओ भाई रायता खाना चाहिए। अब हम होटल जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग शॉपिंग के लिए, फाइनली 2 दिन से हम वेट कर रहे थे शॉपिंग करने का, अब हम शॉपिंग करेंगे। बाबू नहीं है वो, बाबू है, बाबू मार्केट है वो, शो ना बाबू जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी चीजें बोलते हैं। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी लगा हो ना, मतलब कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा या कुछ हमने गलत बोल दिया, तो हमें करेक्ट करो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ सॉरी भाई इस बात के लिए, अगर कुछ गलत बोल दिया तो। और तो बोली क्या है बार बार तो। अच्छा व्लॉग के बीच में मैं बोल देता हूँ, अभी भी लाइक शेयर कमेंट अपना प्यार बनाए रखो, और वीडियो को और पुश करो ताकि इसकी रीच बढ़े और लोगों तक पहुंचे। पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो ठीक है, लाइक एक स्किप मत करना ठीक है। और इसका इसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका चैनल भी सब्सक्राइब। फाइनली एक सोलो ट्रिप है, हम अपने ग्रुप को छोड़ के हम अकेले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, होपफुली है ना। 3 दिन से हम घूमे हैं अकेला, अब फ्रीडम मिली है। Yes. अब हम जा रहे हैं बाबू मार्केट की तरफ, हम गुड़गांव भी चले जाए बड़ी बात है। उनको घंटा भरा कुछ नहीं बनने वाला। पीस कर दे पीस। इंसान अपनी दादी नानी के लिए देख रहा है सूट साड़ी, अपनी बारी नहीं आई, ये बात है। चकल नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए भी लूंगा। मतलब नहीं है तो नहीं लेगा। हम सब अपनी मम्मी पापा के लिए, हम सब अपने मम्मी पापा के लिए सामान ले आए हैं, और हम खाली हो चुके हैं बिल्कुल, हमारे पास एक पैसा नहीं बचा है, और हमें कल घर जाना है। अब हम लोग शॉपिंग कर ली और हम होटल जा रहे हैं, बट मैं थका नहीं हूँ, पहली बार मैं इस ट्रिप में कह रहा हूँ कि मैं अभी थका नहीं हुआ है ना। ब्लॉग देख लिया मैंने तो। अरे ब्लॉग नहीं, बताना एक शर्ट पापा के लिए, एक सूट नानी के लिए, एक सूट दादी के लिए, मासी के लिए, कुछ नहीं मिला। मैंने कम लिया है, आज मैंने मम्मी के लिए लिया और अपने लिए लिया, पापा ने कुछ पहन तो लिया, पापा मेरी दादी भाई, मैंने तो दोनों के लिए लिया है। आई होप बस हम आप दोनों को पसंद आए। अब हम होटल जा रहे हैं और होटल जाके बस अब कल का इंतजार और बाकी कल का। मार्केट से होके अब हम लोग आ गए हैं अपने अपने घर अपने वाले रेस्टोरेंट में, जो हम 3 दिन से जहाँ पे आ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ का खाना लिटरली में बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरी ना मानो तो एक बार ट्राई करके देखो, सच में बहुत अच्छा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। खाओ तो पता लग रहा है हाँ टेस्ट है और पेट भर रहा है तो और क्या चाहिए। और वैल्यू भाई खाना इकोनॉमिकल है, अच्छा है। और बस आज के लिए इतना ही, अभी हम खाना खाएंगे और रूम में जाके सोएंगे। बाबू मार्केट में मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अगर मेरा फोन चला जाता तो आप लोगों को और वीडियो नहीं देखने को मिलती। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे, ये अपने घर, ये अपने घर और मैं अपने घर। और बट आगे वीडियोस आती रहेंगी, कोई और ट्रिप की और कोई और मोमेंट की और कोई और विजिट की। तो लाइक शेयर कमेंट, थोड़ा पास आ जाए ब्रो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखना, हमारी वीडियोस ऐसी देखते रहना और रिलेट कर पाओ तो वेरी थैंकफुल भी यार।
और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट डाउन बिलो इन द बिलो सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन माई अपकमिंग वीडियोज. सो दैट्स इट. गुड नाइट. बाय बाय. शफ़क़ यार. फाइनली लास्ट डे हम सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं. अभी हम लोग हमारी ट्रेन का टाइम हो गया. हम रेलवे स्टेशन जाके वापस घर. सब अलग अलग. ये 3 दिन हमने बहुत फन किया. हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर की. हमने आपस में हम सब के बारे में हमें जानने को मिला. थैंक यू मॉम एंड डैड हमको जयपुर भेजने के लिए. और यू गाइस स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर ट्रिप्स. और आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो. चेक आउट हर चैनल. आई लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर. गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.